हाय बच्चों, ये आज एक छोटा सा टेस्ट दे रहे हैं आपको, पर थोड़ा सा देखने के लिए कि हम कहाँ पर पहुंच गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ट्रांसलेशन दे रही हूँ आपको, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। मैंने लिखा है वो, ठीक है? आपको क्या लिखना है ध्यान से समझो। क्वेश्चन इंग्लिश में, आंसर इंग्लिश में। आपको इस पेज से हिंदी नहीं उतारनी, हिंदी आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिख के भेजी है, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन लिखी है। ओके, अपनी कॉपी में ये टेस्ट नीटली कैसे करना है? सबसे पहले ऊपर जैसे आप हमेशा नाम और डेट लिखते हो, उसके बाद में आप लिखोगे क्वेश्चन वन। ओके, क्वेश्चन वन लिख के आप क्वेश्चन उसका आंसर लिखोगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे खाली बीच में, देन क्वेश्चन टू आएगा। ठीक है, आंसर वन क्लियर लाइन स्पेस आंसर थ्री। बेटा इस चीज के मैं आपके नंबर काटूंगी अगर आपने ये नीट काम नहीं किया बेटा। ओके, सो यू हैव टू गिव मी अ नीट वर्क दिस टाइम। क्वेश्चन वन, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आंसर में आपका जो भी नाम है आप मुझे वन लाइन आंसर दोगे। ओके, व्हाट एवर योर नेम इज, माई नेम इज सो एंड सो, गिव दैट इज द आंसर। क्वेश्चन टू, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? देखो बेटा, अगर तो आप वन लैंग्वेज बोलते हैं इट्स ओके, अगर आप दो बोलते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। सो इंग्लिश में उसका आप लिखोगे आई स्पीक हिंदी, और आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, और आई स्पीक हिंदी एंड बांग्ला, व्हाटएवर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन थ्री, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? अब आपकी एज तो बेटा आप ही को पता है ना? इसका आंसर आप लिखोगे आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। कितने हो वो आपको पता है, 8 है 7 है 9 है, आई डू नॉट नो, मैं इतने वर्ष का हूं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज योर फेवरेट फूड? फेवरेट का क्या मतलब होता है? पसंदीदा, जो आपको बहुत पसंद है फूड, भोजन। विच, कौन सा आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? अब ये भी मुझे नहीं पता, आपको दाल चावल अच्छा लगता है, आपको रोटी सब्जी अच्छी लगती, उसका आप खुद आंसर बनाएंगे। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आई लाइक टू ईट दाल राइस और वट एवर, आपको जो पसंद है। आई लाइक टू ईट रोटी एंड वेजिटेबल्स, राइट दैट, दैट विल बी योर फोर्थ क्वेश्चन। गोइंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वेयर, कहाँ? Yesterday, कल जो बीत चुका, आप कल कहाँ गए थे? आंसर, आंसर में मैंने लिखा हुआ है मैं कल लाल किला देखने गया था। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वेंट टू सी रेड फोर्ट यस्टरडे, ये इसका आंसर है। सिक्स्थ, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? Which, कौन या किसका, ठीक है, आप किस देश से हैं? बिलोंग होता बेटा ताल्लुक रखना, कि आप कौन से देश से हैं। मैं भारत का हूं या मैं एक भारतीय हूं, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं I belong to India, और I am an
इंडियन कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से. ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन. सेवेंथ, व्हेन डू यू गो टू स्लीप? व्हेन, कब, आप कब सोते हैं? आंसर में मैंने लिखा है मैं 9 बजे सो जाता हूं. ये मैं एज इट इज छोड़ रही हूं बेटा. आप इसका ट्रांसलेशन मुझे इस लाइन का करके बताएंगे. मैं 9 बजे सो जाता हूं. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क? व्हाई, क्यों, आप दूध क्यों पीते हैं? आंसर, उत्तर में मैंने लिखा है मैं मजबूत और स्वस्थ बनने के लिए दूध पीता हूं. मजबूत की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ की इंग्लिश हेल्दी. आई ड्रिंक मिल्क टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये आपकी इस क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट लाइन होगी, लेकिन इजी है. देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मैम ने लिख दिया. अब आप स्पेलिंग भी देख सकते हो इसके. मैं मजबूत और स्वस्थ बनने के लिए दूध पीता हूं. ये 8 के 8 क्वेश्चन ओनली इंग्लिश अपनी कॉपी में उतारना है. हर एक क्वेश्चन के बाद उसका आंसर देना है. हर एक आंसर के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है. डू इट वेरी नीट बिकॉज आई विल मार्क दिस टेस्ट. ओके, समझ के ध्यान से. हैव अ गुड डे. बाय.